हमने अभी तक क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला, फिर हमने थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पे निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग के सेंटर पे निकाला, लास्ट टाइम किया हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ रिंग पे क्या था, आर डिस्टेंस पे, ये फॉर्मूला हमने फॉर्मूला रजिस्टर में इसको एंटर कर लिया था, ये हमने किया। सेंटर पे ई की वैल्यू क्या थी, रिंग पे जीरो, ये भी हमने कर ली थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर ये रिंग है, रिंग के सेंटर पे ई जीरो है, और अगर रिंग के बहुत दूर जाऊंगा तो भी ई जीरो हो जाएगा, तो रिंग के सेंटर से अगर मैं राइट जाता हूं तो ई बढ़ेगा और फिर थोड़ी देर में कम हो जाएगा। तो ई की वैल्यू मैं आर निकालना चाहता हूं, मैं पॉइंट निकालना चाहता हूं, मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालना चाहता हूं जहां पर ई मैक्सिमम आए, ये क्वेश्चन है। तो ई का फॉर्मूला आर डिस्टेंस पे होता क्या है, ये होता है, अभी मैंने लिखा फॉर्मूला, किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो, हमने किया, उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो। तो यही रूल होता है मैक्सिमम मिनिमम का। तो हमने ई को क्या करना है, मैक्सिमम, और हमने क्या निकालना है, आर। तो हम क्या करेंगे, जिसको मैक्सिमम करना है और जो निकालना है उसे डिफरेंशिएट इक्वल टू करके जीरो। तो ई की वैल्यू को ऊपर से यहां पूरा यहां पुट किया, कॉन्स्टेंट जीरो से कट गया, चार्ज भी कट गया, आपके पास ये दो टर्म बचेंगी। आप अगर ये u माने और ये v माने और डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v हमने कैलकुलस में किया, तो u बाई v का फॉर्मूला अगर लगाएं, सॉल्व करें, सॉल्व करके आपके पास आंसर ये आएगा, प्लस माइनस a बाई रूट टू। आपने इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करनी, आपको नहीं पूछी जाएगी। तो मैंने सिर्फ जस्ट कुछ चेक करना चाहे तो इसलिए जरूर करके दिखा दिया। ये स्टेप्स में आपको फॉर्मूला रजिस्टर में ये एंट्री करनी है कि एक रिंग के एक्सिस पे R is equal to plus minus a by root 2 पे E की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। और प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एक राइट पे पॉइंट होगा, एक लेफ्ट पे होगा। तो प्लीज ये डायग्राम ड्रॉ कर लें और ये भी ड्रॉ कर लें साथ में कि ग्राफ, ये देखो E की वैल्यू सेंटर पे क्या है, जीरो, बाद में जाके भी क्या हो जाएगी, जीरो, और a by root 2 पे क्या होगी, मैक्सिमम, माइनस a by root 2 पे मैक्सिमम। तो ये ग्राफ E वर्सेस R का है, यहाँ E ड्रॉ कर लेना, E और R का ग्राफ है ये। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो और ये फॉर्मूला नोट कर लो रजिस्टर के अंदर, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो।